तो वो चीजें हो जाती है। अब पाइसिन के साइड को कहां भी घुमाओ वहां पे तुम्हें चीजें मिलेंगी मिलेंगी, वो एरिया में तुमको चीजें होंगी, और तुम्हें वो चीजें अल्टीमेटली ग्रो करने के लिए वहां पे तुमको दे देनी पड़ेगी, दे देनी पड़ेगी, इन द सेंस कि पाइसिन का उपाय लियो है। क्योंकि पाइस जो मैंने पहले भी बताया था उपाय के उसमें, कि जो भी उपाय बनते हैं वो उससे छठे घर में बनेंगे, सिक्स्थ हाउस बनेंगे, तो पाइसिन का उपाय लियो में आएगा। पाइसिन बनाओगे तो सिक्स्थ हाउस में लियो आएगा, इसीलिए पाइसिन एक्चुअली में दान नहीं है, पाइसिन का उपाय दान है, समझ रहे हो? पाइसिन उपाय नहीं है, पाइसिन का उपाय दान है। सो पाइसिन के उपाय दान है, इन द सेंस कि बड़ी बारीक सी बात है, तभी तुम ध्यान से इस चीज को फील करना, महसूस करना, कि जब तुम कुछ लेते हो कभी भी तुम लोग तो सिकुड़ जाते हो, कुछ ऐसा अंदर घटता है कि मैं ले रही हूं, कुछ ऐसा भाव पैदा होता है, और जब तुम देते हो तो कुछ फैलता है तुम्हारे भीतर, ऐसा लगता है कुछ दिया, कुछ समृद्धि, भले तुम्हारे मटेरियलिस्टिक चीज घट रही हो लेकिन अंदर कुछ कुछ फैल सा जाता है, कुछ बड़ा सा हो जाता है, कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत, ऐसा होता है। इसीलिए पाइसिन सुकुड़ जाने का साइन है, क्योंकि जो सुख मैं जो कह लो कि कंस्ट्रिक्शन शुरू हुआ था, मैं तुमको समझाया था कि हाउ लाइक ना केप्रिकॉन में चीजें कंस्ट्रिक्टेड है, तुमको समझाया था जब केप्रिकॉन पढ़ा रहा था, तो मैं तुमको बता रहा था कि मगरमच्छ की स्किन कैसी होती है, देखो कैसी सुकड़ी सुकड़ी, उसका सब कुछ एकदम कितना कड़क हो जा रहा है। और फिर मैंने तुमको राहु बताया था, अक्वेरियस, अक्वेरियस में बताया था कि राहु इज स्ट्रीम लाइन फोकस, एकदम स्ट्रीम लाइन फोकस है। अब वो फोकस इतने लेवल पे आ रहा है कि एकदम मतलब लेजर बीम जैसे देखते हो ना, लेजर बीम की कैसे होती है एकदम वन लाइन है ना, लेजर लाइट जैसे देखे होगे कभी, वन लाइन टाइप की। अब वो इस लेवल पे आ गई है कि अब वो विलुप्त हो जा रही है, विलुप्त मतलब एकदम शून्य, शून्य का साइन है ये, ठीक है? तो वैसे ही जब तुम कोई चीज लोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ घटेगा, कुछ सीमित होगा, कुछ सुखड़ेगा, और जब तुम दोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ फैलता है, कुछ विस्तार होता है, कुछ बढ़ सा जाता है, एंड दैट इज हाउ लियो इज, लियो देने का कारक हो जाता है, लियो डोनेशन का कारक हो जाता है। तो इसलिए पाइसिन जो भी 12th हाउस का उपाय होगा वो उससे दान का आएगा। तो तुम्हें तुम्हें जो भी 12th हाउस में प्लेनेट हो, जो भी साइन हो, उसको लो और उसको दान कर दो, तुम्हारा पाइसिन अच्छा हो जाएगा। तो कैसे होगा, जैसे किसी को मान लो क्या बताया जाएगा, कैंसर का बताइए। हाँ कैंसर का बता दे कैसा, कैंसर का जैसे जेमिना है, ठीक है? तो कैंसर को सबसे पहले तो एक चीज है कि अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे देनी चाहिए, फोन का डोनेशन करना चाहिए, फोन, मोबाइल फोन, गैजेट्स, ठीक है? ये सब चीजों इनके पास होंगे ऑटोमेटिकली, इनके पास एक पुराना फोन घर में पड़ा होगा, खराब नहीं होगा, चलता फिरता ही होगा, वो दे दें। पुराने रेडियो, पुराने तुम्हारे जितने भी कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, कैमरास हैं, ये सब दे दे। कोई भी घर में घड़ी, पुरानी घड़ी, बहुत सारे, क्योंकि जो भी एकत्रित करने का साइन है पैसे, आपके पास जो भी 12th हाउस में ना आप एकत्रित कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे उस चीज को, ठीक है? वो चीज आप फेंकना नहीं चाहोगे, ठीक है? तो जेमिनाई की जितने भी चीजें हैं, बुक्स आपके पास बहुत सारी होती चली जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है? घड़ियां बहुत सारी होती चली जाएंगी आपके पास, मोबाइल फोन्स इकट्ठा होने लग जाएंगे, ठीक है? जितना ज्यादा वहां पे प्लैनेट उतना ज्यादा वो चीज बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए वो सारी चीजों का दान दे देना, वो सारी चीजों को दे देना, गिफ्ट कर देना, ठीक है? बच्चों को गिफ्ट करते रहना, ये एक वो बन जाता है कैंसर के लिए, ठीक है? पाइसिन भी इनको देखो कहाँ मिला हुआ है, 9th हाउस में मिला है। सो अगेन इट कम्स बैक टू नॉलेज, ठीक है? अगेन इट्स कम बैक टू नॉलेज और ये सारी चीजें, और एट द सेम टाइम इट ऑल्सो मीन्स कि किसी को एडवाइस भी देना, एडवाइस देना, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एडवाइस दोनों मिल गए ना, एक इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, दोनों कॉन्सेप्ट जुड़ रहे हैं आप। तो इसलिए ज्यादातर काउंसलर्स तुमको मिलते हैं कैंसर के साइन पे, ज्यादातर टीचर्स तुमको कैंसर के साइन पे मिलते हैं, कैंसर प्रोमिनेंट होते हैं तुमको वो सब चीजें मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? टॉरस अगर तुम्हारा 12th हाउस में है, सो तुमको अभी टॉरस उठाना है और उसको डोनेट कर देना है, तो फूड डोनेशन हो गया, सिंपल है, फूड है, लेकिन एट द सेम टाइम योर ग्लासेस, आपके पास बहुत सारे लिखना रेबैन और ये सब का कलेक्शन होगा, जेमिनाई के पास वो सारे कलेक्शन आते रहते हैं,
और टॉरस में और क्या चीजें हैं? घर में बहुत सारे बर्तन, ठीक है, घर में बहुत सारे बर्तन होंगे टॉरस के, जब भी जेमिनाई लगन होगा, ठीक है, खाना बर्तन ये सारी चीजें डोनेट कर देनी चाहिए, घर में पुराने गैस, गैस मतलब जैसे उसकी गैस चूल्हा, ये सारी चीजें उनके पास होंगी, होगी वो इकट्ठे हो रही है, हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और वो अब चीज तक मैं डोनेट करते रहे। कैंसर हूँ, मेरे पास दो मोबाइल हैं, कैमरास इतने सारे हैं, तो कैंसर की भी आदत होती है क्या, मतलब जमा करने की? और सारे अच्छे मोबाइल्स हैं, ऐसा नहीं कि खराब है। अभी तो समझाया ना, अभी तो समझाया कि 12th हाउस में यू हैव जेमिनी है ना, तो वो चीज एकत्रित होगी, तो वो चीज किसी को एकत्रित देने से होगी। कुछ बुरा नहीं है ना, दे सकते हैं वो, किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, तुम लोग को पता है, ये बताओ कि किसने बताया कि ये चीज नहीं देनी चाहिए? कोई कहीं ऐसा चीज किसी ने बताया हो कि नहीं देनी चाहिए? मेरे को कोई रैंडम एक नहीं, कोई एक बात, एक व्यक्ति को मेरे का नाम बता दो कि ये कौन है जो समाज में फैला रहा है कि ये चीज नहीं देनी चाहिए। मतलब कुछ मैंने कुछ तो कभी किसी से ऐसे बोल, सुना नहीं कि किसी को देना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं देना चाहिए। कोई तो है ये जो फैलाया है, मेरे को समझना हाँ है कि कौन है। बोले परफ्यूम नहीं देना चाहिए, घड़ी नहीं देनी नहीं चाहिए, रिलेशन खराब हो जाता है, पता नहीं क्या क्या, मतलब मैंने टीनेज से सुना है। जैसे मुझे किसी ने बोला है कि अगर आप किसी को कपड़ा दे रहे हो, तो चाहे वो आपकी मेड हो या कोई भी हो, आप तो अगर दे रहे हो तो उससे भले 5 रुपया 10 रुपया ही लो, लेकिन कुछ लेके दो उसको, ऐसे ही मत दो। वो लाल किताब में जो पीटर सेवन जॉन्स में, सही है, बहुत कचड़ा है ये सब दिमाग में, सब कचड़ा है कि ये दो ये नहीं दो। मैं तो कहूँ सबको दे दो फिर देखो। हाँ, क्योंकि पार्टनर को वॉलेट भी नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं, परफ्यूम तो देंगे, मतलब देना क्या चाहिए फिर। सर मेरे पापा को जैसे किसी ने बोल के रखा हुआ कि आप किसी से तो कैप्स मत लेना, हेड पे जो भी लगाने का चीज होता है वो मत लो गिफ्ट में, तो वो नहीं अच्छा, लेते किसी से भी। सही, तो कचरा ये ये सब सब सारा। देखो, ये सब बकवास बात है, चुपचाप, कोई मतलब नहीं है। क्या लियोगे क्या नहीं लोगे ये तुम्हारे हाथ में है भी नहीं। जब तुम एक्टिवेशन आज देख रहे हो, तुम एक्टिवेशन थ्योरी में ग्रुप में हो गए, तुम देख रहे हो कि जो चीजें वक्त ही तुमको देगा वो ला रहे हो, वही चीज तुमको मिल रही है, तो फिर कैसी, फिर उसमें क्या तुम वो अपना उंगली कर रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो उसमें? ये बात 100% ट्रू है, कैंसर वालों को सारी चीजें रखी रखाई मिल जाती हैं, पापा की प्रॉपर्टी, सारी चीजें, तो सच में हम नहीं सोचते, हम प्लान नहीं करते, सारी चीजें ऑलरेडी प्लान्ड है। ठीक है, तो इसलिए जो ये चीज है ना कि ये चीज देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये देखो कि मांगने वाला कोई खड़ा है कि नहीं, बात खत्म हो गई। जिस क्षण तुमसे कोई किसी ने कोई चीज मांग ली, उस क्षण तुम्हें उस चीज का त्याग दे देना है, ये तुम्हारा जीवन का नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप से लेके जाके दे दे रहे हो, अगर वो चीज मांग ली गई है उसी क्षण उसको ऐसा त्याग दो कि वो तुम्हारे लिए विष के समान हो गया, उसको त्याग दो तुरंत, बात खत्म, दैट्स द एंड, समझ रहे हो? ये ही विधान है। किसी ने तुमसे धन मांग लिया, अब तुम्हारे लिए वो धन तुम्हारा रहा ही नहीं, समझ रहे हो? तुमसे किसी ने वस्त्र मांग लिया, वो वस्त्र तुम्हारा रहा है, क्योंकि वो मांगने भी ऐसे नहीं आ पाएगा, यह भी याद रखना कि वो मांगने भी बिल्कुल ऐसे नहीं आ पाएगा, बहुत चीजें होनी चाहिए कि वो तुमसे मांग सके या तुमसे ले सके, वो प्राप्त भी तुम्हें नहीं होगा, इसलिए ये विधान से तुम चलो, ठीक है, कि जो जिस क्षण मांग लिया गया वो उसी क्षण तुमने उसका त्याग दे देना है, ठीक है। सूर्य बनना है, क्योंकि यहाँ स्पाइसी में शनि प्रोमिनेंट है, शनि प्रोमिनेंट समझ रहे हो, कैप्रिकॉन 11th हाउस, और सूर्य कैसा है? सूर्य ने कभी नहीं बोला ना तुमसे कि मैं रश्मियां नहीं दूंगा या मैं अपनी रोशनियां नहीं दूंगा, वो तो चल रहा है। इफ देयर हैज टू बी लाइट देयर समबडी नीड्स टू बर्न, और जो जितना बर्न करता है उसकी उतनी लाइट होगी और रोशनी होगी, और ये रोशनी भीतर की रोशनी से रिलेटेड है, ठीक है, उतना नूर होगा, ये तुम्हारे भीतर का नूर चमकेगा, सिर्फ बाहर से कुछ देखत नहीं, अंदर चमके नूर, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए ये सब ढकोसलेबाजी में मत पड़ने का ही नहीं है, जो जो मांग लिया उसको दे देना तुरंत ही।
बात खत्म हो गई, वो तुम्हारा रहा ही नहीं उस मांगने के छड़ के साथ ही, समझ रहे हो? तो सर फिर जिसको पाइसेस लग्न मिला है उसका तो 12th हाउस में एरीज बैठा है। 12th हाउस में एरीज कहाँ मिला है? पाइसेस लगन को एरीज थोड़ी ना मिलता है 12th हाउस में। ओ नहीं सॉरी 11th हाउस। ठीक है हाँ एक्वेरियस अक्वेरियस, अक्वेरियस होता है। मिलेगा। हाँ, तो पूछो आगे तो क्या फिर कैसे। उनको उनको फिर क्या दान करना चाहिए सर, अपना कमाया मनी, हुआ? हाँ मनी, पैसा। पाइसेस लगन देता नहीं है, पाइसेस लगन देने का आदत नहीं है पाइसेस को, इनसे पैसे निकलते नहीं है। क्योंकि राहु है ना, राहु जकड़ना चाहता है, उसको होल्ड करना चाहता है, और जितना ज्यादा पा ले, और सैटर्न 11th हाउस में पहुंच गया है। तो एक तो ये चीज है कि इनको लाइफ के स्टार्टिंग में तो चीजें मिलती नहीं है, देखना बहुत गरीबी और वो है, क्योंकि मार्स एरीज तुम्हारा सेकेंड हाउस में रहा है, तो रिसोर्स बहुत कम है, ये वो सारी चीजें। लेकिन जब मिला तो देने का कम हो गया ना, कि जब जैसे आप जब जो चीज आपको बचपन में नहीं मिलती, जब आपको मिलते तो आप ऐसे गले लगा लो, सब सारी चीजें हाँ मेरी हो गई, वैसा वाला सिचुएशन हो जाता है ना। अब छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो एकदम पकड़ पकड़ के रखना चाहते हैं। वो भीतर से वो अंदर आता है कि नहीं नहीं दो मत, कुछ भी दो मत, काम आएगा। ठीक है, ये कैप्रिकॉर्न और पाइसिस वाले ना, इनसे कबाड़ नहीं निकलते, तुम देखना। ये घर का कुछ भी पुराना टूटा फूटा हो तुमको सजा के रख देंगे, इसे काम आएगा, कभी तो काम आएगा। इनसे निकल नहीं रहा, इसीलिए लियो 8th 6th हाउस में गया है, इनका उपाय ही है ये दान देने का। और साथ में केतु आ जाए तो और ज्यादा, ले और भी नहीं देंगे। तो फिर तो क्या, फिर क्या पूछना। शनि केतु तो निकलता ही नहीं है ना इनके, इनसे। शनि 12th हाउस में हो, ठीक है, शनि का 12th हाउस में हो, तो ऐसा बेचारा मतलब वो ये देखता रहता है, उसके दिमाग में हमेशा ये चल रहा है कि क्या मिल रहा है मुझे, क्या मिलेगा। ठीक है, ये हमेशा चलता है। जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल दूँ, मेरे पिताजी का बेटा, मेरे मेरा अष्टम में शनि है, तो ऑब्वियसली मेरे पिताजी से तो 12वें में आएगा ही, तो वो जहाँ राह चलते जो चीज फ्री में मिल रही हो, हाँ ये लाओ। मैं पूछता हूँ कि ये क्यों क्यों लेगी, है ना, क्यों आपको लेना है वो चीज। लेकिन नहीं, वो चीज वो ऑटोमेटिकली उनका ऐसा प्रोग्राम है, देने के नाम पर उनको लगता है कि क्या ही दे, क्यों दे, वो वाला प्रोग्राम है। ठीक है, और हमारा, और मेरा मिला मार्स 12th हाउस, और हमारा तो है कि हम सब कुछ लुटा दें, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं। तो उनको हार्ट अटैक आने लग जाता है कि ये बताओ इतना दे दिया, इतना इसको समझ नहीं है कि कितने मुश्किल से आता है ये वो। ठीक है, तो दैट इज हार्ड चेंजेस। तो मार्स होगा 12th हाउस में, तो इट विल बी ऑलरेडी ऑलरेडी गिविंग ना, सन सन मार्स होगा, इट इज ऑलरेडी गिविंग। ठीक है, लेकिन ये शनि हो, ठीक है, शनि का इफेक्ट 12th हाउस में, तो उससे तो निकल नहीं रहा, उसको तो लैसा सदमा से लग जाएगी, बताओ कितना पैसा चला गया इस बात में। ठीक है, वो ऐसा हो जाता है, चीजें खरीदने के बाद लोगों को दुख होता है। सैटर्न 12th हाउस में हो तो इनसे चीजें खरीदी नहीं जा रही, नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है, नया वस्त्र नया चीज खरीदने में बहुत मुश्किल हो जाता है। सैटर्न 12वें घर में होता हो इनसे चीजें ना दी जाती हैं, और ना देखना ना नया खरीदा जाता है, इनको लगता है बस जो है बचा के रखे रहो, जितना ज्यादा एकत्रित हो जाए उतना हो। ठीक है, सर दो इसमें आप जो बता रहे हो ना पाइसेस लगने का, कि ऑटोमेटिकली उनका देने का सब चीज कम हो जाता है। आई हैव टू कुंडलीज और दो दोनों ही पाइसेस असेंडेंट है, लेकिन दोनों एकदम अलग है सर। एक को बोट एक जैसे आप बता रहे हो कि उनसे दिया नहीं जाता, एकत्रित करते जाते करते जाते हैं, और दूसरा जो है रोकना पड़ता है कि भाई हो गया कितना तुमको खर्चा करना है अभी। हाँ दोनों में फर्क है ना। फिर देखो कि सूर्य और शनि कहाँ बैठ रहे हैं समय, अच्छा जो जो दे रहा है उसका सूर्य कहाँ है, जो दे रहा है उसका सूर्य सर 10th हाउस में, और शनि कहाँ है, शनि इज इन द 6th हाउस। आ गया ना, तो छठे घर में चला गया ना शनि। अभी अच्छा मैं तुमको छठे घर का शनि, अष्टम का शनि बताया था ना अभी कुछ दिन पहले, कि छठे 6 8 12 में शनि हो तो अपना ही पैसा नहीं मांग पाता ऐसा व्यक्ति, उसको मांगने में दिक्कत है, हाँ अपना उसको ही दिक्कत पैसा नहीं होती है। दे, नहीं मांग पाता अपना पैसा। तो यही तो समझाया था 6 8 में, कि भाई वो अपना ही पैसा नहीं मांग पा रहा है, और जिसका सूर्य 10वें घर में तो वो देना जानता है, टॉप ऑफ द हेड आ गया सूर्य। और यही उल्टा कर दो, यही किसी पाइसिन लगन वाले को ढूंढो जिसका शनि 11वें का हो 12वें का हो, अब उससे लो, उससे दिया ही नहीं जाता। ठीक है, लगन का शनि हो, पाइसिस शनि लगन में, फिर देखो उससे उससे कुछ निकलवा लो, तो तुम जाने फर्क आ जाता है। शनि 6 8 12, शनि देने 12 क्या, 6 8 12 में जाएगा तो नहीं ले पाएगा फिर।
ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस थिंग इज पाइसेस इज। इसीलिए शुक्र का साइन मिला यहाँ पे, शुक्र वैभव। हर कोई चाहता है कि पैसा उसके पास आए और टिके रहे, ठीक है, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे, इसलिए सब शुक्र को जाते हैं। वीनस एग्जॉल्टेड है यहाँ पे, वीनस को तो ऐसा लगता है ना जितना मेरे पास चीजें इकट्ठे हो जाए उतना बढ़िया, और सब कोई पैसा चाहता है। तो शनि से 11वें में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो जाता है। शनि से 11वें में शुक्र हो जाए, क्योंकि शनि विल ऑटोमेटिकली गेट दैट, इट विल टेक इट, ठीक है। शनि और शुक्र और शनि की युति हो जाए तो भी बहुत पैसा आता है। वीनस 12th हाउस में हो तो भी पैसा आएगा ना, क्योंकि वीनस इकट्ठा होता चला जाएगा ऐसा व्यक्ति पर धन, इसीलिए वीनस एग्जॉल्टेड भी है ऐसा। बट उसके और भी रीजन है वीनस एग्जॉल्टेशन के।